जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश प्रदेश के अंदर अच्छी शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भले ही उनके नाम का कोई शिलापट न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डॉरिंगन की सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य इसी अलीगढ़ में प्रारंभ कर दिया। भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र प्रशासनिक भवन को कागजों का विश्वविद्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। कोई सोचता था यह काम होगा? अलीगढ़ का एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ हमारा एमओयू हो गया है। बहुत शीघ्र यहां की वायु सेवा से हम जोड़ने वाले हैं। और भाइयों बहनों, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो इसके लिए 700 करोड़ रुपए हम लोग ऑलरेडी उपलब्ध करवा चुके हैं। जमीन एयरपोर्ट की लंबाई को बढ़ाने के लिए ये 700 करोड़ रुपए राज्य सरकार जारी कर चुकी है। यहां का ट्रांसपोर्ट नगर दशकों से मांग हो रही थी, ट्रांसपोर्ट नगर का काम भी यहां पर हो रहा है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अभी तो यहां पर जो यहां की पहचान थी हार्डवेयर का कार्य तारा उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने स्थान दिया, उस पर एक्सपोर्ट करने की सुविधा दी। देश और दुनिया में जहां कहीं भी एग्जीबिशन लगते हैं वहां पर अपने एक्सपोर्टर्स को भेजने की पूरी व्यवस्था की जाती है। और भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा के लिए भी डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ में बन रहा है और वह कार्य यहां अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो चुका है। यानी आज के दिन पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि आप देखेंगे तो गाजियाबाद से अलीगढ़ होते हुए कानपुर की यह लेन फोर लेन की पुलिस हाईवे का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। और यही नहीं, भगवागंज में पावर प्लांट भी पावर जनरेशन का काम प्रारंभ कर चुका है। अलीगढ़ ही ऊर्जा उत्पादन का केंद्र भी बन चुका है। क्या नहीं है अलीगढ़ में? सब कुछ तो है, ये पहले भी हो सकता था। क्या कर रहे थे सपा बसपा कांग्रेस के लोग? इनको तो समाज को जाति के आधार पर बांटने से फुर्सत ही नहीं था। ये क्या विकास कराते? ये क्या याद करते? ये तुष्टीकरण करते रहे। हमने सशक्तिकरण किया, हमने बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर किसान को, हर युवा को और हर महिला को देने का कार्य किया। ये युवाओं का शोषण करते थे, हमने युवाओं को टैलेंट दे करके उसके टैलेंट को ट्रेनिंग के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया है। आज यही का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर ही अब नौकरी करेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसे रोजगार मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के इस प्रस्ताव को जब जमीनी धरातल पर उतारेंगे 1 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। भाइयों बहनों, उसके लिए उस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट, युवाओं की ट्रेनिंग, उन्हें तकनीकी दृष्टि ट्रेन करना और यही कार्य आज ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के नगर गंदगी के ढेर और कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। आज भाइयों बहनों, हमारा अलीगढ़ भी स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। स्मार्ट सिटी, अगर हमारा बोर्ड पिछली बार आपने राजीव अग्रवाल को बता दिया होता तो भाइयों बहनों, जैसे गाजियाबाद चमक रहा है, लखनऊ चमक रहा है, कानपुर चमक रहा है, वाराणसी और गोरखपुर चमक रहा है, इसी तर्ज पर
पैसे का सही सदुपयोग हुआ होता और उस पैसा भी अलीगढ़ के विकास में लगा होता तो अलीगढ़ की स्मार्ट सिटी के रूप में देश के अंदर स्थान बनाया होता। पानी के लिए भूखे लोगों को तरसना पड़ता था, आज तो हर घर नल योजना के साथ हम जोड़ रहे हैं। 17 के पहले नगरीय क्षेत्रों में सोलो का आतंक होता था, आज हमारी सिटी स्मार्ट सिटी बन रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 17 के पहले व्यापारी रंगदारी देते थे, आप उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड बना करके हर व्यापारी को हमने 10 लाख रुपए की सुरक्षा